सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। गेस्ट आ चुके हैं, आपको आया है, उनकी फ्लाइट लेट थी और अभी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है। वो लोग छत पे गए हुए अभी और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। मैं बना रही हूँ एक तो पनीर की भुर्जी और दाल मखनी। नाश्ता में मैंने उनको ब्रेड और बेसन के वो जो बनाती हूँ वो मैंने उनको खिला दिए हैं और अभी मैं थोड़ी देर में आपको गेस्ट मिलवाती हूँ। और हाँ गाइज, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है तो कमेंट में हैप्पी बर्थडे जरूर लिख दे। मम्मी को भी हम यहीं पे बुला के सरप्राइज देंगे, केक कट वगैरह करवाएंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। One hour later. गाइज, अभी हमने यहाँ से केक ले लिया है मम्मी के लिए, ये और मैं केक लेने आए हैं, बाकी बच्चे घर पे सारे घर पर ही अभी और हम आ गए घर पे। हमारी खाना भी सब तैयार है, पापा का, मीनू का, सबका खाना पीना भी हम भिजवा रहे हैं। 2 hours later. तो गाइस, केक हमने रख दिया है और गेस्ट से भी मिलवा देती हूँ। ये जीजू और मेरी बहन आ गई है, हमारे घर पहली बार आए ये शादी के बाद। तो खाना वाना खा लिया, खाना मैंने दिखा रही, इनसे पूछते हैं खाना कैसा लगा। बहुत अच्छा था, टेस्टी। गाइस, अभी मैं दिखा दूंगी कि मैंने क्या बनाया खाने में। भी हमने नहीं खाया था, जब हम खाएंगे मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये रहा केक, अभी केक कट करेंगे। केक तो तक्षु बता दिया, ये भी मैंने बता दिया। ये रे पापा, लाइट गई हुई है ना, और लाइट जला लेते। तक्षु बैठा है पापा के पास, मम्मी के पास बैठी है गुनगुन, और यहाँ पर केक काटने की तैयारी। ये मम्मी के लिए लेके आए हम, इसमें जिसकी मम्मी की बुआ जी लगती है, बुआ जी बोल रहे हैं हमारी मम्मी लगती है। ये देखो तक्षु की आंखें, बस इस केक के है कि उसको काटने कैसे कोई मतलब है, उसको मिल जाए बस। बोल रहे हो बेटा, अब उम्र तो कम हुई है, एग्जाम क्या आपको दुख हो रहा है क्या बर्थडे का मेरे भाई? ओ, ये देखो गाइस, मैंने कहा था ना इसको मौका चाहिए। नो, ये देखो, खा ले, रखो मत, खा लो, चॉकलेट उठा ली, छिज्जी है बहुत टेस्टी। ये पापा को दे दे, चल अभी फोटो नहीं वीडियो बन रही है, आप बात कर। कौन लग रहा है ठीक। पापा रह गए, पापा आप भी खिला दो, खिला दो और क्या। देखियो अभी वजह कह रहे खुश खुश रहो, सबको एक साथ आशीर्वाद दे दिया ना, खुश रखो मुझे, खुश रखो सही से। कैसा लगा मम्मी आपको सरप्राइज? मजा आ गया। बल्कि मैं सोच रही थी तू आज खाना कैसे करेगी, लेकिन तेरी दाल मखनी होटल को, टेंशन ले रही थी मम्मी। अरे कैसी लगी अंजलि दाल? आपको सब्जी अच्छी लगी? सुबह जी, प्राउड मोमेंट है, मेरी वाइफ की तारीफ हो रही है। Oh my God. पता है ज्यादा अच्छा क्यों लगा? क्योंकि मम्मी के घर पे काम चल रहा है, वहां पर धूल मिट्टी है और रोज रोज लेडीज बनाती रहती है खाना, उसको अगर कोई और बना के खिलाए अपने हाथ से तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज मम्मी का बर्थडे भी था तो हमने छोटा सा सरप्राइज और छोटा सा मम्मी के लिए कुछ करा है। अच्छा लग रहा है मम्मी आपको? बहुत अच्छा, थैंक यू। स्टार्ट कर दिया, बोलो अब करा है। ये अंजलि आप सब जानते ही होंगे, इसने शादी के ब्लॉग देखे थे, ये केरल से आ चुकी है घूम के। तो प्रिया ने आज इसका भी लंच डिनर किया था और मुझे भी पार्टी दे दी बर्थडे की। मैं बहुत खुश हो गई दोनों से मिलके। रैंडम में बोलिएगा क्या बोल व्हाट। ये देखो गाइस, अब हम जा रहे हैं आगे पास। ये देखो गाइस,
पूरी गैस ऐसी फैली हुई है किचन। ये देखो अचार सब कुछ इधर ही पड़ा है, अभी अचार वगैरह चटनी वगैरह। प्रिया ने सारी चीज ना बहुत अच्छे से करी, शाबाश बेटा। तो गाइस अब फाइनली हम खाएंगे खाना। तूने खा लिया प्रिया? ये मेरे साथ अब हम खाएंगे। हमने अच्छे से अंजलि को अजय को अच्छे से खिला दिया, सब कुछ कर दिया, क्योंकि ना घर में जो आते हैं उनको पहले खिलाना है अच्छा लगता है, उनसे पहले खा लें तो ठीक नहीं लगता ना उनके साथ। उनको प्रॉपर तरीके से खिला के अब लास्ट में मम्मी पापा को भी हमने खाना खिला दिया, अब हम खाएंगे और मजे करेंगे। और मैं भी टेस्ट बताऊंगा प्रिया का कि कैसे बनाया। प्रिया ने आज दाल बनाई थी बहुत ही टेस्टी, जो कि सबको लग रहा था बाहर जैसी लग रही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसने यूज ही ऐसी चीजें कर दी, क्रीम और क्या क्या कर रहा था बताइए जरा सबको। नेक्स्ट में आप कमेंट करोगे ना नीचे तो ये बना के भी दिखाएगी रेसिपी। दिखा क्या क्या बनाया बता दो। अभी तो देखो थोड़ा देखो गाइस, थोड़ी बहुत आपको देख के पता लग रहा होगा टेस्ट कैसा लग रहा है। मैं कह रही हूँ प्रिया मेरे को भी रेसिपी दी, मैं इससे रेसिपी लेके जाऊंगी। दाल मखनी बहुत मस्त लगी है, क्योंकि अंजलि की शादी हुई है ना अभी, तो वहाँ पर सबको बना के भी खिलानी पड़ेगी और अच्छी भी लगी, तो इसलिए पूछिए रेसिपी। ठीक है आप भी कमेंट करना अगर रेसिपी देखने तो वो बताएगी। अभी तो ये फिलहाल मेरे लिए सलाद वलाद काट रही है, हम खाएंगे बाद में मिलते हैं आपसे। ठीक है तो गाइस गेस्ट वगैरह घर से जा चुके हैं, बब्बी भी चली गई और फिर इतना ज्यादा थक गए थे क्योंकि कल रात की भी नींद हुई थी, तो फिर हम लोग थोड़ा सो गए थे घर पे और अब वो लोग जा चुके हैं। तो फिर शाम को पूजा वगैरह करके और रात का खाना वाना करके अब मैं बैठी हूँ। और गाइस मुझे पता है व्लॉगिंग थोड़ी थोड़ी करी है मैंने, अच्छे से प्रॉपर खाना वगैरह भी नहीं लिया क्योंकि मैं बिजी थी बहुत ज्यादा, इसलिए तो मैं बिजी थी इसलिए मैं नहीं कर पाई अच्छे से व्लॉगिंग। तो अब मैं ना जो अंजलि लेकर आई थी केरला से, जो भी कुछ है और आप व्लॉग आने वाला है उसमें मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी। ये व्लॉग यही तक ही था, तो अब मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। जब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय, जय श्री श्याम सभी को।